नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने खड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर स्कूटर। भाई साहब, भारत का अपना यानी कि हिंदुस्तान का अपना थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। अभी अभी हमने ये अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। कहाँ से बात कर रहा हूँ, ये केला सन्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम से बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ में पड़ता है, दुबे के पड़ाव के पास ये शोरूम पड़ता है। तो यहाँ पर ये मॉडल अवेलेबल है और इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है ऑनलाइन। अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस स्कूटर को बुक कर सकते हैं। देखिए, बेहतरीन फीचर्स के साथ आया है और पहले से अपडेट होकर आया है। फीचर मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने रहो वीडियो में। तो सबसे पहले मैं फ्रंट के प्रोफाइल से ही विजिट कर लेता हूँ। फ्रंट में आपको देखिए ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि LED में जल रहे हैं इस समय, और DRLs देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो इसका लुक है वो बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। वाइट कलर में ये स्कूटर है। ये आ जाता है हिंदुस्तान पावर का स्टीकर और थोड़ा सा ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है वाइट कलर के साथ। और ये आ जाते हैं इसके इंडिकेटर, मैं जलाकर दिखा देता हूँ इसके इंडिकेटर आपको। ये देखिए, जलने के बाद कुछ इस टाइप लगते हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर हैं। ये आ जाता है टायर इसका, जो टायर का साइज़ है 10 इंची व्हील साइज के साथ है। ट्यूबलेस टायर है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और अलॉय व्हील में इसका टायर देखने को मिलता है। हाँ जी दोस्तों, और अब मैं बात कर लेता हूँ इस स्कूटर की प्राइस रेंज की। तो हर घर के लिए फिट हो जाता है प्राइस रेंज मात्र 85,000 रुपीज़ में यह आपको हो जाने वाला है। अगर भारत में आप कहीं पर भी रहते हो ना, तो इसको आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। यह हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली ये स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखो और हम सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे। और डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है 190 mm का। ये देख लो, पीछे देखो डायमंड कटिंग अलॉय व्हील है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और इस स्कूटर की ये खासियत है, देखो सिंगल सीट है, एक तो बढ़िया लग रहा है। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। धूप के कारण आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूं। और बटन में आपको यहां से लाइट खुलेगी बंद होगी। ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर है और ये आपका लाइट को बंद और खोलने का बटन है। और यहां पर रिवर्स और ड्राइविंग का मोड है और इसमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, ये देख लो। और ये मिल जाता है कप होल्डर, यहाँ पर सामान वगैरह आप रख सकते हो। चाबी की से भी स्टार्ट हो सकता है स्कूटर और रिमोट से भी स्टार्ट हो सकता है, ये देख लो। और यहाँ पर से आप आराम से बैठ सकते हो, सीटिंग की पोजीशन काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। यूटिलिटी जो है इस स्कूटर में आपको 2 देखने को मिलती है, ये देख लो। यहाँ पर भी आप सामान वगैरह रख सकते हो, मैं खोल कर दिखाता हूँ। ये चाबी से ही खुलता है, ये देखिए, ये मैंने खोल कर दिखाया। यहाँ पर भी अच्छा खासा सामान आ जाता है यूटिलिटी, और नीचे भी इसके यूटिलिटी देखने को मिल जाती है। ये देख लो, मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है इस स्कूटर के अंदर, ये देख लो। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये पूरी कांटेक्ट डिटेल आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देख लो, पीछे आपको ये पूरी जो लाइन है ये पूरी LED में देखने को मिलती है, और हैलोजन में इसके आपकी बैकलाइट देखने को मिलती है, ये रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस स्कूटर में पावरफुल मोटर मिल जाती है जो कि दोनों ही पीछे वाले चक्कों से अटैच है, यानी कि एक पावरफुल स्पीड के साथ पावरफुल मोटर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सवाल ये आ रहा होगा कि ये स्कूटर कितनी रेंज देता है, तो दोस्तों एक ठीक ठाक रेंज आपको ये प्रदान कर देता है और चार्जिंग यहाँ से हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत सी कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये लेड एसिड में है, लेड एसिड बैटरी में आता है, क्लेम करती है 5 लेड एसिड बैटरी जो है अरे 60 से 70 तक का माइलेज देती है। दोस्तों वो सब गलत है, जो एक्चुअल माइलेज जो है ये आराम से 40 से 50 का माइलेज आपको निकाल के दे देता है, 40 से 50 तक का फुल चार्ज होने पर। फुल चार्ज ये 7 से 8 घंटे में हो जाएगा, रात में लगा के छोड़ दो। और एक चीज़ बहुत बेहतरीन लगी, ये जो है ना इसका हैंड ब्रेक, ये भी अच्छी टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। ये आप ऊपर कर दोगे इसे दबाने के बाद, तो यह हैंड ब्रेक का काम करेगा, यानी कि चढ़ाई वगैरह स्लोप वगैरह पे अगर स्कूटर खड़ा है तो आप हैंड ब्रेक लगा के भी खड़ा कर सकते हो। ये देख लो, ऊपर से एंगल बढ़िया है, यहाँ से देख लो। और इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी अच्छी मटेरियल में बनाया गया है, जो इसका फाइबर है ये भी काफ़ी अच्छी मटेरियल में बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर पर्सनली विजिट करोगे, फील करोगे, तो स्कूटर बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इतना ज्ञान दे दिया यार, इसका थोड़ा बहुत तो ड्राइविंग बनता है ना, टेस्ट ड्राइव। ये देखो, आराम से ऊपर करके बैठो और इसको ये करो और पैर दोनों अपने ऊपर रख लो और हल्का सा एक्सीलेटर दो, भैया आराम से आगे जाता, मज़ा आ रहा है चलाने में। वाह, इसकी ना जो पिकअप होता है वो बहुत हाई होता है। मोड़ लेता हूँ मैं, ये देखो, अब थोड़ा मैं बैक लूँगा, ड्राइव मोड लगाया मैंने ये,
ड्राइव मोड के साथ आपको बीप की आवाज़ देखने को मिलेगी जैसे कार वगैरह में आती है, ये देख लो। और ये मैंने मोड लगाया, मतलब बहुत बेहतरीन हो जाता है, मज़ा आ रहा है चलाने में। आ मज़ा आ गया। तो यार आपको किस बात की देरी है, बुक कर लो, है ना। अगर आप जैसे चलाने कोई भी टू व्हीलर जो होता है उसको चलाने में असमर्थ हैं तो इसको आराम से बुक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी माताएं बहनें बुज़ुर्ग लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन हो जाता है ये स्कूटर, है ना। आप स्पेशली ऐसा नहीं कह सकता मैं कि हैंडीकैप्ड ही लोग लें, मतलब कोई भी ले सकता है, जो टू व्हीलर नहीं चला सकता वो आराम से इसको चला सकता है, फैमिली स्कूटर बन सकता है, सामान वगैरह बहुत आ जाएगा, यूटिलिटी मैंने आपको दिखाई थी। तो बस ये जानकारी थी स्कूटर के बारे में। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। और एक चीज़ और, इसमें हजार्ड ऑप्शन भी देखने को मिला, चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं, है ना। पीछे भी देख लो, पीछे पीछे का लुक बहुत ज़बरदस्त है, ये देखो, हाँ हाँ बढ़िया। और थ्रॉटल, और देखो ब्रेक मार के दिखाऊँ, ये देखो पीछे का लुक बढ़िया लग रहा है ना। तो बस छोटी सी जानकारी थी स्कूटर के बारे में, थ्री व्हीलर हिंदुस्तान वालों का, जो कि केलासन इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं अपना स्कूटर। तो अच्छा वीडियो लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।